नमस्कार दोस्तों, रामू टेक्निकल के इस भाग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि रिकनेक इलेक्ट्रा और सोनी के 1320V44XD के बारे में। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, पहले दोनों के स्पेसिफिकेशन आपको बताना चाहूंगा। रिकनेक इलेक्ट्रा में आपको 160 वोल्ट का पावर आउटपुट मिलता है, जबकि सोनी के V44XDX में आपको 120 वोल्ट का पावर आउटपुट मिलता है। रिकनेक इलेक्ट्रा में आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन एज वेल एज दो माइक अटैचमेंट भी मिलते हैं। पर दोस्तों जबकि मैं सोनी की बात करता हूँ, सोनी के अंदर आपको डीसी ऑप्शन का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें सैंपल वन, सैंपल टू प्लस मल्टीपल इफेक्ट्स आपको साउंड इफेक्ट्स में मिलते हैं, प्लस साउंड प्रेशर होन का भी ऑप्शन सोनी 1320V44XDA में दिया हुआ है। दोस्तों सोनी की बात करता हूँ, सोनी एक रिलायबल ब्रांड है जो साउंड क्वालिटी में सबसे अच्छा पुराना ब्रांड है। पर दोस्तों आप वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की बात करता तो रिकनेक इलेक्ट्रा सबसे आगे निकल जाता है। रिकनेक इलेक्ट्रा में आपको 160 वोल्ट पावर आउटपुट का साउंड मिलता है, जिसमें आपको ब्लूटूथ ऑप्शन, दो माइक अटैचमेंट एज वेल एज प्राइसिंग के मामले में बोलूँ तो रिकनेक इलेक्ट्रा सोनी से आधे के आधे भाव में आपको मिलता है। सोनी की प्राइसिंग की बात करो तो दोस्तों सोनी का प्राइसिंग ऑलमोस्ट 28,990 में आपको मिलेगा, जबकि मैं रिकनेक इलेक्ट्रा की बात करता तो 11,000 में आपको मिल जाएगा। पर दोस्तों रिकनेक इलेक्ट्रा और सोनी के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि दोनों कंपनी की बात करता हूँ तो आप सोचोगे कि सोनी का साउंड तो पहले से ही अच्छा, एक रिलायबल प्रोडक्ट है और क्वालिटी में भी अच्छा है। पर दोस्तों बात इसमें सोनी या कोई रिलायंस के प्रोडक्ट की बात नहीं है, दोस्तों इसमें बात है कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कौन सी कंपनी आपको दे रही है। तो पहले मैं रिकनेक की बात करता हूँ, तो रिकनेक में आपको ब्लूटूथ ऑप्शन प्लस दो माइक अटैचमेंट प्लस USB का ऑप्शन प्लस ऑक्स इन और DVD इन का ऑप्शन मिलता है, जबकि सोनी के V44DX में की इनपुट की बात करूँ तो दोस्तों में उसमें आपको HDMI प्लस ARC एज वेल एज वीडियो आउट मिलता है, प्लस ऑडियो वीडियो आउट मिलता है, ऑडियो वीडियो इन भी मिलता है दोस्तों। और इसके अंदर एक खास चीज दी हुई है, ब्लूटूथ का ऑप्शन है, दो माइक अटैचमेंट भी दिया हुआ है और सोनी और उसमें आपको DJ इफेक्ट्स भी मिलता है, जैसा स्लैटर है, बहुत सारे सैंपल के ऑप्शन भी आपको मिलते हैं दोस्तों। तो प्राइसिंग के मामले में भले ही सोनी का जो 1320V44XD है ज़्यादा प्राइसिंग है, पर दोस्तों उसका साउंड क्वालिटी कंपेयर टू रिकनेक इलेक्ट्रा से बहुत अच्छा है। अगर आप वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की बात करोगे, अगर आपको एक आपके बजट में एक अच्छा पार्टी स्पीकर चाहिए तो मैं आपको रिकनेक इलेक्ट्रा प्रीफर करता हूँ। अगर आप एक अच्छा एक आप म्यूजिक के बहुत शौकीन हो और आपको एक म्यूजिक से प्यार है तो मैं आपको सोनी 1320V44XD के बारे में सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी मिलता है। अगर आप उसको इजी से कैरी आउट भी कर सकते हो, अगर कहीं भाई बाहर पिकनिक पे ले जाना है, उसको प्लग आउट रिसीव करना है और आप उसमें अपना पार्टी का मजा ले सकते हो। तो दोस्तों दोनों की बात करता हूँ, तो सोनी का 1320V44XD मॉडल आपको 29,000 के अराउंड के प्राइस रेंज में मिलेगा, जबकि आपको रिकनेक का इलेक्ट्रा 11,000 के प्राइस रेंज में मिलेगा। पर दोस्तों मैं माइक की बात करता हूँ तो रिकनेक इलेक्ट्रा के साथ में आपको एक माइक फ्री दिया जाता है, जबकि सोनी के साथ में कोई भी आपको माइक नहीं दिया जाता है। और दोस्तों सोनी की बात करता हूँ तो सोनी का साउंड आउटपुट कम्पेयर टू रिकनेक इलेक्ट्रा से बहुत अच्छा है बेस के मामले में। दोस्तों मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि अगर आप एक रिकनेक आप एक पार्टी स्पीकर लेना चाहते हो जिसमें आपको वायर की झंझट ना हो, 5 स्पीकर लगाने की झंझट ना हो, तो मैं आपको एक पार्टी बेस्ट पार्टी स्पीकर या DJ इफेक्ट वाला इफेक्ट मैं आपको सोनी सजेस्ट करता हूँ, सोनी का 1320V44XD मॉडल सजेस्ट करता हूँ दोस्तों, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा अच्छा, अगर आप पावर आउटपुट के मामले में कहो या फीचर्स के मामले में कहो, ये सोनी का जो मॉडल मैंने आपको बताया इसमें आपको लाइटिंग भी मिलता है, डीजे लाइट्स भी मिलती है और रिकनेक इलेक्ट्रा में आपको भी डीजे लाइटिंग मिलती है। पर दोस्तों दोनों के कंपेयर में आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको रिकनेक का इलेक्ट्रा ही मिलेगा, क्योंकि रिकनेक इलेक्ट्रा में भले ही फीचर आपके हिसाब से ज्यादा ना हो, पर दोस्तों वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट और आपको एक कराओके टाइप का सॉन्ग लेना है तो आप ये ले सकते हो। अगर आपका प्राइस ज्यादा है और आपका बजट ज्यादा है तो उसके हिसाब से आप फिर सोनी का ले सकते हो, क्योंकि उसमें साउंड प्रेशर होन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। साउंड प्रेशर होन का ऑप्शन ये करता है कि दोस्तों जो भी आप गाना या कभी भी माइक अटैचमेंट करके आप गाना गा रहे हो उसका साउंड आपको ज्यादा एनहेंस करके देना है तो साउंड प्रेशर होन आपको देगा। और दोस्तों इसमें बहुत सारे DJ इफेक्ट्स भी दिए हुए हैं। तो मैं आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लेना चाहते हो, अगर आप प्राइस के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो मैं आपको सोनी का V44XD सजेस्ट करता हूँ, जबकि आपको एक वैल्यू फॉर मनी और एक अच्छा
नॉर्मल बेसिक सा पार्टी स्पीकर लेना है तो रिकनेक्टर आप ले सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये रिकनेक्ट इलेक्ट्रा लेना है तो आपको रिलायंस के डिजिटल के कोई भी स्टोर में मिल जाएगा, बाकी आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। अगर आपको लेना है तो रिलायंस, मैं इसका लिंक आपको सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उधर जाके परचेस कर सकते हो। अगर आपको सोनी का V44DX लेना है तो आप कहीं से भी परचेस कर सकते हो। पर रिकनेक्ट इलेक्ट्रा आपको सिर्फ रिलायंस के ऑफिशियल स्टोर RelianceDigital.in के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपको पता चल जाएगा आपका नियरेस्ट स्टोर कौन सा है, आप उधर जाके परचेस कर सकते हो। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी डील है। अगर आपको लेना है और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है तो ये साउंड सिस्टम बहुत ही अच्छा है। बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों